यो आकाशवाणी जम्मू है, जावेद चौधरी ते खबर सुनो। पार्लीमेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बख-बख सियासी जमातों के लीडर नाल गलबात करता मां कियो जे कई रियासती सरकार जिला इंतजामिया ते माहरीन ने कोरोना वायरस ना फैलन ते रोकने वास्ते लॉकडाउन ना बधान की सलाह दी है। उन्होंने कहा जे कोविड-19 के मद्देनज़र मुल्क इस वेले संजीदा ललकारों को भी सामना कर रहा है तो सरकार इस नाल निमड़न की वादाबंद है। उन्होंने कहा जे ऐसा हालातों के दौरान मुल्क अपना काम करेगा तौर तरीका अंजाम दे रहा है। जिना मोदी ने इस बीमारी खिलाफ लड़ाई में मरकज नाल मिलकर काम करने बारे रियासी सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा जे मुल्क में इस ललकार को सामना करने समाज का तमाम तबकों की तरफों यकजहती सलाह तक कट्ठे काम कर गए इस वबा नाल निमड़न की कोशिश की जा रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में गुजशत ध्याड़े नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का 34 नवा मुस्बत मामला सामने आया है ते हूँ इन मामलों की तादाद बढ़ गया 169 हो गई है। इन 169 कुल मामलों विचों 151 सरगर्म मुस्बत मामला है। सुबह जम्मू में कोरोना वायरस का 27 जबकि सुबह कश्मीर में 124 मामला दर्ज किया गया है। इस सिलसिला में 6 अफराद ठीक भी हुए हैं जबकि यूटी में 4 लोग वफात भी पा चुके हैं। काटसाला खातून मरीज जेडी उधमपुर जिला की बसनीक थी कोरोना वायरस की वजह से जीएमसी जम्मू में इंतकाल कर गई। सरकार का तर्जमान रोहित कंसल ने ट्वीट पैगाम में कहा जे मुतवफी का तमाम राबतों को पतो लाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा जे 40,336 अफराद जिनको तारीखी सफर तय मुतवफियों का राबता में रहा है मशकूक मामला ना निगरानी में रखे गयो है जिनमें 8,494 लोगों ना सरकार की तरफों घर में क्वारंटीन 518 ना हस्पताल में 130 ना हस्पताल आइसोलेशन ते 3,364 लोगों ना घर अंदर निगरानी में रखे गयो है। सरकार ने आम लोगों ना कहो जे वे समाजी फासला इकदाम ना अमला में तो कोविड-19 के मद्देनज़र अपनों तारीखी सफर और मुस्बत मामला का राबता ना ना छुपावें। आम लोगों ना सलाह दी गई है जे वे हस्पतालों को गैर जरूरी दौरों ना करें तो खंघ ताप गला में पीड़ सह लैन में परेशानी महसूस बह तो इस सिलसिला में फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरों लें या फिर कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर गए तिब्बी सलाह तय सेहत सहूलियत मुतलक हिदायत हासिल कर सकें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में 24 घंटा फ्री एम्बुलेंस खिदमत अपना बुआ ते टोल फ्री नंबर 108 पर कॉल करके हासिल कर सकें। लोग हमला खवातीन ते बीमार बच्चों वास्ते फ्री एम्बुलेंस खिदमत हासिल करने वास्ते 102 पर कॉल कर सकें। नोवल कोरोना वायरस बीमारी मुतलक 24 घंटा रहनमाई हमायत इस सिलसिला में किसी किस्म की दिक्कत वास्ते कौमी हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075 पर राबतो किया जा सके। इस सिलसिला में सहूलत मुहैया कराने की खातर यूटी जम्मू कश्मीर ने हेल्पलाइन नंबर कायम किया है। यूटी सतह को फोन नंबर 0191-5059-676 जम्मू सूबा में 0191-5029-0191-2674-444 ते 0191-2674-115 और सूबा कश्मीर में 0194-2440-283 ते इलावा 0194-2430-581 पर भी राबतो किया जा सके। मुल्क में कोविड-19 का मामला बढ़ गया अज 5,274 हो गया है ते दस्यो जा रहा है जे पिछला 24 घंटा में 485 मामले सामने आया है। इस दौरान 411 लोगों ने हस्पताल ते छुट्टी भी दे दी गई है ते कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में 159 लोग वफात पा चुके हैं। वजारत सेहत का ज्वाइंट सैक्रेटरी लव अग्रवाल ने भी दिल्ली में कहा जे सरकार की तरफों बंदोबस्त और तैयारियों के मुताबिक भी मुल्क में कोविड-19 का मामला में वाधो हो रहा है। उन्होंने कहा जे नाजुक मामलों वास्ते वक्फ करदा सेहत हिफाजत मरकज ते हस्पताल कायम किया गया है। जनाब अग्रवाल ने कहा जे मरकजी सरकार की तरफों रियासताना कोविड-19 का सिलसिला में राबता को पतो लाने ते निगरानी की हिदायत की गई है। उन्होंने कहा जे कोविड-19 एक वबाई बीमारी है जिसकी रोकथाम समाजी फासला ते लॉकडाउन कर गए ही मुमकिन हो सके। उन्होंने मजीद कहा जे भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोकाइन गो वाफर स्टॉक मौजूद है। ICMR का आला साइंसदान डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कहा जे हूँ तोड़ी 1,21,000 कोविड-19 का टेस्ट हो चुका है। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करता मां गई रात जिला राजौरी में तकरीबन 9:45 गोलीबारी की। दिफा बारे PRO ने दस्यो है जे पाकिस्तानी फौज की तरफों जिला राजौरी गमनचकुट सेक्टर और इस नाल लगता इलाका ना निशानो बनाए गयो ते इस दौरान उन्हां की तरफों निकाह हथियार ते मोर्टार को इस्तेमाल भी किया गया। सरकार की तरफों कोविड-19 का सिलसिला में किया गया
गया महीना मां खातून जनधन खाता रखने आला वास्ते जिस इमदादी पैकेज को ऐलान किया गया था उसकी पहली किस्त मुकम्मल कर ली गई है। इस सिलसिले में सरकार की तरफ तकरीबन 20 करोड़ जनधन खाता में 500 रुपया की पहली किस्त मुंतकिल कर दी गई है। सरकारी जरिए ने दसी है जे ये पैसा हर एकन का खाता में टोरिया दिता गया है तो लोग समाजी फासला ना बरकरार रख गए इस रकम से इस्तफादो हासिल कर सकें। इसके नाल ही गोजरी में खबरों शुमारों मुक गया।